गाइज आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बेस्ट थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी एंड उसी के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स का तुमको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ एंड उनकी कस्टम एचयूडी भी दिखाने वाला हूँ एंड उन कस्टम एचयूडी को आप लोग कैसे परफेक्ट कर सकते हो, जल्दी से कैसे सीख सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत करे, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज बढ़ते हैं सबसे पहले प्लेयर की तरफ जो कि आज की इस लिस्ट का पहला प्लेयर है, तो उसके गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं। उसका गेम प्ले मैं तुमको फटाफट से दिखा देता हूं, उसका नाम क्या है वो भी बता देता हूं। तो गाइज आज की जो लिस्ट का पहला नंबर प्लेयर है वो है गाइज ARKFF। ये बंदा का गेम प्ले जो है गाइज काफ़ी ज़्यादा ओपी है, ये मोबाइल में खेलता है मतलब, और इसका गेम प्ले बहुत ज़्यादा ओपी है एंड इसकी कस्टम एचयूडी मैं तुमको आगे दिखा दूंगा। बाकी तुम लोग इसका गेम प्ले एंजॉय करो एंड बताओ कैसा है इस बंदे का गेम प्ले। एंड इस बंदे का भी चैनल का नाम है ARKFF एंड चलो गाइज आप लोग गेम प्ले एंजॉय करो। एंड गाइज ये था हमारी लिस्ट का पहला प्लेयर, इसकी कस्टम एचयूडी आप लोग को कैसी लगी जरूर से बताना, बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर इसकी कस्टम एचयूडी आप लोग को पसंद नहीं आई तो मैं आगे तीन चार प्लेयर और दिखाने वाला हूँ, उनके आप लोग कस्टम एचयूडी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बंदे हैं। चलो गाइज बढ़ते हैं आज की इस लिस्ट के सेकंड नंबर प्लेयर की तरफ। तो गाइज ये बंदा ही बहुत ज़्यादा ओपी है एंड इसका गेम प्ले भी बहुत ज़्यादा ओपी है। ये बंदा NG गिल्ड में है, इसका नाम है NG ज्यूस एंड इस बंदे का गेम प्ले पर्सनली मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज बाकी मैं आपको ज्यूस भाई का गेम प्ले दिखा देता हूँ। ये बंदा बहुत ज़्यादा ओपी खेलता है, इसकी कस्टम एचयूडी भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो भाई आप लोग इसकी कस्टम एचयूडी में प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये रहा इसका बंदे का गेम प्ले एंड आगे मैं बस दिखाऊंगा इस बंदे की कस्टम एचयूडी, तो भाई आप लोग अभी गेम प्ले एंजॉय करो। तो भाई ये बंदा भी बहुत ज़्यादा ओपी खेलता है, इसकी मूवमेंट कुछ उतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल भी नहीं है, बाकी बढ़िया मूवमेंट है इसकी एंड इस बंदे की जो है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ओपी है, तो भाई इसका समय चूड़ी में तुम्हारी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। तो भाई बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर प्लेयर की तरफ जो कि है, जिसका नाम मैं तुमको बता देता हूँ, इसका चैनल नेम भी मैं तुमको बता देता हूँ। तो गाइज इस लिस्ट का जो थर्ड नंबर प्लेयर है उसका नाम है 4FLAGGAMER एंड इस बंदे के काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, इसके व्यूज़ वगैरह भी काफ़ी बढ़िया आते हैं। एंड इस बंदे का गेम प्ले अगर आप लोग देखोगे ना गाइज, ये बंदा लिटरली PC प्लेयर के जैसा खेलता है, इसका गेम प्ले लिटरली गाइज PC प्लेयर के बराबर ही है, मतलब यही समझ लो, बहुत सारे PC प्लेयर को भी इसने हरा रखा है एंड ये गेम प्ले का बहुत ही ज़्यादा ओपी है, मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड गाइज इस बंदे की कस्टम एचयूडी मैं आगे दिखाऊंगा एंड इसका इस बंदे का जो गेम प्ले है वो आप लोग इन्जॉय करो। गाइज आप लोग को गेम प्ले कैसा लगा जरूर से बताना एंड इस बंदे का चैनल का नाम है 4FLAGGAMER एंड इसका तुम कस्टम एचयूडी यहाँ पर तुम देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया कस्टम एचयूडी है इस बंदे की। एंड गाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है हाँ, बट हाँ गाइज थोड़ी सी मतलब अगर आप लोग इस कस्टम एचयूडी को सीख लेते हो तो गाइज आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी एक बेहतरीन ग्लोबल स्टाइल में एंड एक अच्छे खासी एक्यूरेसी में भी, ठीक है। तो गाइज बढ़ते हैं अपने फोर्थ नंबर प्लेयर की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है, उसका गेम प्ले मैं तुमको दिखा देता हूँ एंड उसकी तुमको एचयूडी भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये बंदे का नाम है NG ज्यूस एंड ये बंदे का गेम प्ले भी गाइज बहुत ज़्यादा ओपी है एंड ये बंदा गाइज इतना ज़्यादा ओपी खेलता है ना गाइज, इस बंदे ने 1v4 क्लच का रखा है NG की लाइव स्ट्रीम में, वो भी लाइव स्ट्रीम में, इतना ज़्यादा हैकर लेवल ये मारता है एंड गाइज इसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा ओपी है, उसके साथ में एक्यूरेसी भी गाइज इसकी बहुत ज़्यादा ओपी है एंड इस बंदे का गेम प्ले आप लोग इन्जॉय करो, हैकर लेवल ये बंदा खेलता है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है ये बंदा। बाकी इसका गेम प्ले तुम इन्जॉय करो, आगे मैं इसकी कस्टम एचयूडी भी दिखा दूंगा। तो गाइज ये था इसका गेम प्ले एंड मैं भी इसकी कस्टम एचयूडी के बारे में बात करूँ तो गाइज इसकी कस्टम एचयूडी ये रही एंड इसके चैनल का नाम है NGRYUZ।
मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो भाई सही है एकदम, बाकी आप लोग सर्च कर लेना। गाइस अभी बात करते हैं इस वीडियो की बोनस ट्रिक्स के बारे में एंड कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे आप लोग का गेम प्ले इंप्रूव हो जाएगा। एंड गाइस कैसे आप लोग कस्टम एचयूडी को जल्दी से प्रैक्टिस कर सकते हो, ईजी इसमें शिफ्ट कर सकते हो, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो वही सबसे पहले एक टिप्स मैं तुमको दे देता हूँ। गाइस बहुत सारे लोग फायर बटन के साइज में एंड फायर बटन की पोजीशन में कन्फ्यूज रहते हो, तो गाइस सबसे ज़्यादा बेस्ट साइज जो होता है फायर बटन का वो मैं तुमको बता देता हूँ। गाइस वो होता है 30 से 40 से 50 के अंदर, अगर आप लोग का फायर बटन इतने के अंदर है तो गाइस आपके बन टैप बहुत ज़्यादा लगेंगे। एंड जो पोजीशन होती है वो आपको हमेशा नीचे की साइड में रखने हैं। बहुत सारे बंदे एकदम ऊपर रख देते हैं या फिर एकदम राइट में रख देते हैं या फिर एकदम लेफ्ट में रख देते हैं, तो गाइस आप लोग को ऐसा नहीं करना है, एकदम नीचे की साइड में रखना है एंड मिडल में तुमको रखना है, मतलब जो बीच का पोर्शन होता है उसमें तुमको मिडल में तुमको अपना फायर बटन रखना है, काफ़ी सही रहेगा। नीचे की साइड में रखना है मतलब जहाँ पे ये होता है ना थोड़ा बड़ा, जैसे तुम करोगे और जहाँ पे तुम्हारा गन स्विच वाला सबसे पहला स्लॉट होता है तो तुमको उसके एग्जैक्ट नीचे रखना है। एंड गाइस अभी बात करें कैसे तुम लोग इस कस्टम एचयूडी को प्रैक्टिस कर सकते हो इनमें से किसी कस्टम एचयूडी को भी 7 डेज के अंदर, तो गाइस वो मैं तुमको बता देता हूँ। उसके लिए तुमको करना कुछ ये है कि भाई बहुत सारे बंदे जल्दी ही एकदम हार मान जाते हैं कि भाई ये हमसे नहीं खेलेगा, एकदम वो शिफ्ट कर देते, तो गाइस आप लोग को ऐसा नहीं करना, आपको डेली 1 से 2 घंटा ट्रेनिंग खेलनी है, चाहे आप लोग कितना भी पिटो चाहे कितना भी करो मारना आपको उसी कस्टम एचयूडी में। अगर आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से माइंडसेट बना लोगे कि भाई मेरे को इसी कस्टम एचयूडी से मारना है, मैं चाहे मैं कितना ही पिटू कितना ही मेरे को लोल डीमोड दिखा मारना मेरे को इसी कस्टम एचयूडी से है, तो गाइस आप लोग एकदम 7 डेज के अंदर एक कस्टम एचयूडी में अच्छा खासा शिफ्ट कर सकते हो एंड अच्छा खासा गेम प्ले आप लोग कर सकते हो 3 फिंगर कस्टम एचयूडी में। एंड आप लोग को कस्टम बाद में खेलना है, पहले आपको ट्रेनिंग से स्टार्टिंग करनी है। जैसे तुम लोग धीरे धीरे थोड़ा अच्छा हो जाओगे तो फिर तुमको ग्लूवल लगानी है, कस्टम में प्रैक्टिस करनी है। एंड गाइस यही था आज की इस वीडियो में, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।